हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज के लिए मैं वीडियो लाई हूँ टॉपिक के पाकिस्तानी सूट डिजाइन। तो अभी बहुत ट्रेंड में चलने वाली पाकिस्तानी सूट ड्रेस सभी लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं ये कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो में पूरी बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो न्यू डिजाइन का ये पीस है मेरे पास, मैं ऑनलाइन इसको परचेस की थी। तो मैं सोच रही हूँ आपको इस वीडियो में आपको सिखा दूँ पाकिस्तानी सूट कटिंग और स्टिचिंग। तो ये नेट का फैब्रिक है और साटन का फैब्रिक है प्रिंटेड, वो अस्तर का काम आएगा। तो ये जो जॉइंट देख रहे हैं नेट में, ये सबको मैं खोलूँगी। इसकी स्लीव और नेक और ये देख रहे हैं सामने में जॉइंट है, इसको भी खोल के मुझे अलग पहले करना है, उसके बाद कटिंग करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे ये कली वाला फ्रॉक जैसा आया है, पर ये मैं सोची थी ये सूट का पीस सीधा होगा, पर नहीं, ये कली जैसा है। तो कोई बात नहीं, कली को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यहाँ पे बॉर्डर को मैं कट के अलग कर रही हूँ, यानी कमर के पास जो जॉइंट है उसको अलग, दोनों बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों को अलग कर रही हूँ। क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे हाइट इसमें 10 इंच कम करना था। तो इस तरह से जब तक मैं नहीं खोल के अलग अलग करूँगी, तब तक मैं हाइट कम नहीं कर पाऊँगी। तो ऊपर का पार्ट को कुछ नहीं करना है, नीचे के घेरे को मुझे 10 से 10.5 इंच तक कम करना है हाइट, क्योंकि यहाँ पे मैं कुर्ती की लंबाई 44 इंच रेडी रखने वाली हूँ। तो ये कट करके मैं साइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कट कर ली हूँ जितना मुझे लंबाई चाहिए बिल्कुल। तो ये बैक पल्ला का पीस है, तो इस तरह से मैं जॉइंट करके रख दी हूँ दोनों के आमने सामने। अब मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी 7 इंच इस तरह से। तो 7 इंच क्यों ले रही हूँ, क्योंकि बैक गला में छोटा बनाना है मुझे इसलिए, नहीं तो अगर आपको गला बड़ा बनाना है तो 6 इंच ले सकते हैं। तो फिर यहाँ आर्म होल भी 6.5 इंच ली हूँ, और आर्म होल लेने के बाद इस तरह से गोलाई आपको कर लेना है 1 इंच की दूरी पर। तो यहाँ से हल्की सी गोलाई मैं दे दी हूँ। तो यहाँ पे चेस्ट के लिए मैं 10 इंच लगा रही हूँ, क्योंकि 40 का 4 भाग है। उसके बाद में कमर के लिए यहाँ पे लगा रही हूँ 8.5 इंच 34 इंच के लिए। तो इस तरह से आपको लगा लेना है, जो भी मेजरमेंट बॉडी का है उसका 4 भाग लगा लीजिए पहले। तो इस तरह से मैं माप के लगा ली हूँ। उसके बाद 14 इंच चेस्ट से नीचे ले जा रही हूँ हिप के लिए। तो यहाँ से फीता रख के, मैं नीचे की तरफ फीता रख के यहाँ पर हिप का निशान लगाने वाली हूँ। तो अगर आपको लूजिंग पसंद है तो आप 1 इंच ज़्यादा लूजिंग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लूजिंग नहीं बनाने वाली हूँ, हिप 40 इंच है इसलिए मैं 10 ले रही हूँ, यानी 40 का 4 भाग। उसके बाद में 2 इंच एक्स्ट्रा मैं आगे से मार्जिन के लिए लेऊँगी। तो हमेशा आप मार्जिन के लिए 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन के लिए मैं एक्स्ट्रा ले चुकी हूँ। उसके बाद में इसको भी सीधा कुर्ती को घेरा कर थोड़ा करूँगी, क्योंकि ज़्यादा घेरा मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम मुझे घेरा चाहिए 24 इंच, इसलिए मैं यहाँ पे 12 इंच के नीचे से घेरा ली हूँ और 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेकर यहाँ से कट करके निकाल ली हूँ। तो ये पल्ला मैं कटिंग कर ली हूँ, अब बैक पल्ला कटिंग करूँगी। बैक पल्ला कटिंग करने के लिए बैक पल्ला को इस तरह से आपको बिछा लेना है, जितना फ्रंट पल्ला में हम कपड़ा लिए थे बिल्कुल उसी हिसाब से मेजरमेंट करके यहाँ पे बिछा के फ्रंट पल्ला को उसके ऊपर रख के यहाँ से कटिंग कर लेना है। तो बैक पल्ला भी कट हो चुकी है, तो यहाँ से मैं कटिंग कर ली हूँ। सेम जैसा फ्रंट पल्ला था बिल्कुल वैसे ही बैक पल्ला कटिंग करना है। लंबाई आपके ऊपर है, जितना चाहे ले सकते हैं। तो सामने के पल्ला में कढ़ाई है और पीछे के पल्ला में कढ़ाई नहीं था, इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे से ली हूँ। अब कटिंग करूँगी स्लीव। स्लीव में यहाँ पे कटवर्क डिजाइन है और एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, तो इसमें चौड़ाई जितना आ रहा है मैं टोटल ले लूँगी, और लंबाई मैं 16 इंच लूँगी, और नीचे से 3 इंच दे के आर्म होल की गोलाई लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर जैसे स्लीव कटिंग करते हैं नॉर्मल बिल्कुल कटिंग करूँगी, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसके अस्तर ज़रूर लगाना है। तो अस्तर के लिए मैं बाद में कटिंग करूँगी, पहले मुझे कुर्ती के लिए ये साटन का फैब्रिक को बिछा के और ये अस्तर को कटिंग करना है। तो ये डिजाइनर अस्तर है, इसी के साथ आया था। तो इसके अंदर में अटैच करने के लिए मैं कटिंग एक साथ 4 पार्ट में मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ध्यान रहे, दोनों पल्ला मैं इस तरह से 4 भाग में बिछा ली हूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं एक साथ ही कटिंग कर रही हूँ। तो डार्क वाला प्रिंट नीचे है और लाइट प्रिंट ऊपर की तरफ मैं दी हूँ इस तरह से, और कट कर ली हूँ।
तो सिंपल सा है कटिंग, बिल्कुल आसान, जैसे हम नॉर्मल सूट बनाते हैं वैसे ही। अब बाकी बचा हुआ कपड़ा यही है, इसमें मुझे स्लीव में अस्तर लगाना है। आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे स्लीव में लगाना है, इस अस्तर को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं फोर भाग में भी बिछा के फिर नेट का स्लीव को इस तरह से मैं रखी हूँ, और सामने की तरफ कपड़ा कम पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसी तरह रेडी करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से स्लीव भी कट हो चुकी है। तो यहाँ पे स्लीव कट करने के बाद हम इसको जॉइंट करके आपको दिखा देंगे कैसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पे सूट की कटिंग और स्लीव की कटिंग हो गई, अब स्टिचिंग की बारी आती है। तो यहाँ पे पहले हम अस्तर को और नेट को दोनों को एक साथ आपको रेडी करना सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए स्लीव को किस तरह से चारों तरफ मैं रेडी कर ली हूँ। तो इस तरह से आपको अटैच कर लेना है अस्तर को और नेट के फैब्रिक को। तो यहाँ से चारों तरफ मैं दोनों स्लीव में रेडी कर ली हूँ। तो ये स्लीव रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैं सूट के पल्ला को इस तरह से निकालूंगी। ये बैक पल्ला है, पहले बैक पल्ला में मैं इस तरह से चारों तरफ स्टिच लगा दी हूँ नेट को और अस्तर को, और उसके बाद में नेक कटिंग करूँगी। तो नेक जितना आपको डीप पसंद है उतना ले लीजिए, मैं 5 इंच ले रही हूँ और 2.5 इंच चौड़ाई लेना है ऊपर और नीचे से। तो इस तरह से आपको 2.5 2.5 पे चौड़ाई लेकर एक लंबा सा लकीर बॉक्स तरह बना लेना है आपको। तो इस तरह से बॉक्स जब बन जाए तो इसमें हल्की सी गोलाई दे देना है। तो नेक की ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में हम कट कर लेंगे। तो राउंड में यहाँ पे मैं कटिंग की हूँ, तो इस पर मैं राउंड एक और कटिंग इस तरह से रेडी करके रखी हूँ। तो इसी की वजह सेम साइज में कटिंग करके यहाँ पे सिलाई लगा के पलट दूँगी, पलट के रेडी कर लूँगी। तो बाद में मैं हेम करने वाली हूँ यहाँ पे। तो बैक पल्ला को अब हटाते हैं, उसके बाद फ्रंट पल्ला को पहले अस्तर बिछाएंगे सीधा में, सॉरी उल्टा में बिछा के फिर नेट को इस तरह से सीधा में रखेंगे, यानी अस्तर उल्टा और नेट का वर्थ अंदर की तरफ रहेगा। इसके ऊपर गले में सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच की दूरी पे। तो इस तरह से बिछा लेना है, आपको सेम समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल बिछा लेना है सिंपल तरीके से। उसके बाद यहाँ से स्टिच लगा के फिर कट करेंगे। तो यहाँ से हमको 1/2 इंच सिलाई छोड़ते हुए कट करना है, ध्यान रहे सिलाई पे कटना हो। तो सिलाई से बचते हुए यहाँ पे हम कट कर लिए हैं, उसके बाद इसके अंदर में गोलाई में छोटे छोटे कट लगाना है, क्योंकि जब हम पलटें तो फिनिशिंग के साथ पलट जाए और यहाँ पे गले में कोई अकड़न ना आए। तो यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ गला रेडी हो गया है। उसके बाद में हम चारों तरफ स्टिच लगाएंगे अस्तर को, जैसे कि फिक्स हो जाए, नेट है नेट फलके ना। तो यहाँ से नीचे तक मुझे पहले कच्ची सिलाई लगा लेनी है हाथों से या मशीन से। तो दोनों साइड मैं सिलाई कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा ली हूँ। तो उसके बाद फ्रंट पल्ले के ऊपर बैक पल्ला को इस तरह से बिछा लेना है, फिर शोल्डर को इस तरह से जॉइंट दोनों साइड कर लेना है। तो यहाँ पे जॉइंट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए जॉइंट हो चुकी है, मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। तो ये पल्ला देखिए इस तरह से जुड़ के निकलेगा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेंटर में सेंटर मिलाना है, और फ्रंट पल्ला में याद रहे थोड़ा सा छटाई जरूर कर लीजिएगा, मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। उसके बाद सिर्फ फ्रंट पल्ला में छटाई करना है, उसके बाद सेंटर मिला के दोनों स्लीव को ज्वाइन कर लेना है। आपको तो स्लीव ज्वाइन करना आता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो पे अपलोड है कैसे स्लीव ज्वाइन करते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड का स्लीव मैं ज्वाइन कर ली हूँ। तो ये स्लीव ज्वाइन करने के बाद हम कपड़े को सीधे में इस तरह से एकदम से दोनों को अंदर सीधा में रख के और मिलाते हुए हाथ से मैं स्लीव को, यानी दोनों पल्ले के स्लीव की यहाँ पे फिटिंग पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस मार्क के ऊपर मुझे सिलाई यहाँ तक अटैच कर लेना है हिप तक, और फिर ऊपर से भी आपको सिलाई लगा लेना है डबल। तो दोनों साइड में स्लीव लगा के अटैच करने वाली हूँ। उसके बाद में साइड में यहाँ से फोल्ड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम हेम करेंगे, हेम करके हाथ से तुरपाई करेंगे जिसको हेम बोलते हैं। अगर आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं सिंगल। तो मैं यहाँ पे हाथ से हेम करने वाली हूँ, क्योंकि नेट का कपड़ा है और साटन है इसलिए ज़्यादा हेम खूबसूरती में नज़र आता है। देख लीजिए इस तरह से मैं हेम की हूँ, तो कितनी फिनिशिंग के साथ नज़र आ रहा है।
तो ये लुक बहुत पसंद आएगा आपको। इस तरह से आप रेडी कीजिए पाकिस्तानी सूट। अगर आपको ज़्यादा लूजिंग पसंद है तो उसमें 1 इंच ज़्यादा लूजिंग दे दीजिए। मैं ज़्यादा नहीं दी हूँ, 1/2 इंच ही लूजिंग दी हूँ। तो ये पाकिस्तानी सूट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है तो मेरा वीडियो को दोबारा देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसकी प्लाजो मैं रेडी की हूँ कुछ इस तरह से। जो बचे हुए नेट बचा हुआ था उसको नीचे मोड़ी में अटैच कर दी हूँ। तो पैंट इस तरह से रेडी की हूँ और इसके साथ ये चुन्नी है हेवी वर्क वाला, ये बॉर्डर पर वर्क दिया हुआ है, इसी के साथ था तो रेडीमेड था। इसके बाद यहाँ पे टसन मैं लगाई हूँ। ये टसन मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड की हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे बनाई हूँ। तो ये वर्क मैं दुपट्टे में डिजाइन कर दी हूँ। ये पैंट इस तरह से है और कुर्ती पाकिस्तानी मैं लुक तैयार की हूँ ये वेडिंग के लिए। अभी वेडिंग सीजन है, इस तरह से आप बना सकते हैं अपने लिए अगर बनाने लिए सोच रहे हैं तो। उम्मीद करती हूँ आपको पाकिस्तानी सूट पसंद आया होगा। तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।